नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। पाकिस्तान कोरोना काल में पस्त है, लेकिन अपनी आदत से बाज भी नहीं आ रहा है। पहले सीमा पर आतंकी भेजकर खून खराबा करा रहा है, तो दूसरी तरफ अपने नौकरशाहों से सेना की जासूसी भी करा रहा है और पकड़े जाने पर अकड़ दिखा रहा है पाकिस्तान। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के दो अफसरों को रविवार को जासूसी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत से निकल जाने को कहा। इसी आदेश से तिलमिलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अब भारतीय दूतावास के अधिकारी को समन भेजा और भारत के एक्शन का विरोध किया। अपनी शिकायत में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत और निराधार बताया और कहा है कि वह इसकी निंदा करता। इसके अलावा पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की ओर से वियना संधि का उल्लंघन किया गया है, जो कि द्विपक्षीय रिश्तों में खलल डाल सकता है। आपको बता दें कि रविवार को नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के दो अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। भारत ने दोनों पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है और दोनों को सोमवार तक भारत छोड़ने के लिए भी कहा है। जिन दो अधिकारियों को पकड़ा गया है, वो दोनों दिल्ली के करोल बाग से रंगे हाथ पकड़े गए। जिन अधिकारियों को पकड़ा गया है, उनका नाम आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन, जो कि उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई के बाद बयान दिया है कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा था। इन दोनों अफसरों पर महीनों से एजेंसी की नजर थी और ये दोनों आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे और उनकी लिस्ट आईएसआई को देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान की पोल खुली, दुनिया के सामने हेकड़ी दिखाने लगा। लेकिन झूठ तो झूठ ही है और पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान झूठ का घर है और जब भी मुंह खोलता है सिर्फ झूठ ही बोलता है, और इस मामले में भी पाकिस्तान सफेद झूठ बोल रहा है।